नमस्कार साथियों, जनसरोकार मंच की इस लाइव बेला में मुझे आज मौका मिला है। मैं जनसरोकार मंच का आभार व्यक्त करता हूं। इस लाइव श्रृंखला में जुड़ने वाले सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, कहना चाहूंगा कि आपके बड़प्पन ने आज मुझे कुछ सिखा दिया, आपके बड़प्पन ने आज मुझे कुछ सिखा दिया। कामोज दुनिया में खुशियों को बिखरा दिया, कर्जदार हो गए हम उस खुदा के, कर्जदार हो गए हम उस खुदा के जिसने आज हमें जन सरोकार मंच में बोलने का मौका दिया है, जन सरोकार मंच में बोलने का मौका दिया है। साथियों, मैं आज संघर्ष भरा जीवन और संघर्ष भरा विद्यालय विकास, इस पर मैं आपके सामने मेरे विचार प्रस्तुत करूंगा। साथियों, आप कमेंट करिए, मेरा हौसला अफजाई करिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिए कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आगे तन मन और वचन से वंदना करते हैं, तन मन और वचन से वंदना करते हैं। जन सरोकार मंच की लाइव वेला में आपका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं शुरू करता हूं मेरे संघर्ष भरी जीवनी। साथियों, 7 जुलाई 1984 को मेरा जन्म हुआ, गांव भूरा वाली उर्फ अनवर नगर पीपलू तहसील जिला टोंक। पिता पूर्णमल और माता दन्नी देवी और 5 बहनों के बीच में मेरा जन्म हुआ। साथियों, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन कहते हैं कि मेरे पूरे परिवार में दुख का माहौल छाया हुआ था, सारे परिवार वाले रिश्तेदार सभी दुखी थे। वो क्यों दुखी थे इसका मुझे पता नहीं, लेकिन साथियों दुखी क्यों थे, जब मैं जाना इस बात को तो मैंने एक ही लक्ष्य बनाया था कि मैं इस दुखी जो माहौल है उसको एक दिन बड़ी खुशियों में बदल के रहूंगा, ऐसा मुझे करना है। साथियों, 1989 में मुझे प्रथम क्लास में स्कूल मेरी बहन सीता लेके गई, वहां पे मुझे प्रवेश दिया गया, लेकिन साथियों 2 साल तक मुझे फेल किया गया। तो मेरी बहन सीता वह लड़ने चली गई, मेरे प्रथम गुरु श्री पन्नालाल जाट शीशोला गांव के हैं, उनसे लड़ने चले गए कि मेरे भाई को आपने फेल क्यों किया, सभी बच्चों को तो आप पास कर दिए जिनको आता नहीं है। तो उन्होंने कहा, देखो जी, सभी बच्चे बाबूलाल में अंतर है, मैं बाबूलाल को फेल करना चाहकर मैं चाहता हूं कि इनकी नींव को मजबूत करना चाहता हूं, ताकि ये पूरी तरह से खड़ा हो सके, बीच में ढहे नहीं। साथियों, आज मुझे वो बात जब मैं सर्विस में चढ़ा आगे बढ़ा तो मुझे इस बात का एहसास करा रही कि उन्होंने सही किया था। साथियों, वहां पे चित्रलाल बेरवा भी पीपलू से आते थे, एक विमला मैडम थी टॉक की, उन्होंने सबने मेरा सपोर्ट किया, सबने मेरा सहयोग किया,
मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कक्षा 5 में मैं उत्तीर्ण होकर के लगभग 1 किलोमीटर दूर लोरवाड़ा स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार हो गया। तो उस समय मेरे सामने एक पहली समस्या थी मेरे माता पिता के सामने कि ये 1 किलोमीटर पैदल पैदल कैसे जाएगा, वह पानी कौन पिलाएगा। तो साथियों, ये समस्या के बारे में मैं नहीं सोचा था, मेरे घर वाले सोचे थे, परिवार वाले सोचे, मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैंने एडमिशन करवाया और मैंने जाना पैदल पैदल प्रारंभ किया। साथियों, वहां जाने के बाद में वहां पे प्रथम टेस्ट हुआ, वहां पे गणित के टीचर थे गोपाल लाल शर्मा, उन्होंने प्रथम ही टेस्ट में मेरे सामने क्लास के सामने एक शर्त रख दी, चैलेंज की, क्योंकि एक बच्चा उन्हीं का था और एक बच्चा और था जो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले गणित का पेपर करके कौन लाएगा, वही मेरा सबसे प्रिय छात्र है, प्रिय शिष्य है। तो साथियों, टेस्ट प्रारंभ हुआ, सर ने पेपर उतारना शुरू किया। सर पहले प्रश्न लिखते हैं, मैं उसको समझ जाता कि पहला प्रश्न कौन सा है, तो मैं तुरंत उसको कर लेता। साथ ही मैंने प्रश्न नहीं उतारे, मैंने डायरेक्ट सवाल किए, जबकि सारे साथी सवाल उतार रहे थे। साथियों, जो ही पांचवा प्रश्न लिख करके सर जाके कुर्सी पे बैठने लगे, तो मैंने जाकर के मैंने कॉपी दी, सर लो मैंने कर लिया। तो सर आश्चर्यचकित हो गए कि वह क्या बात है, तूने इतना जल्दी। मैं जी सर, देख करके लगे तो कि यहां पूरी सही भी है, वेरी गुड। तो साथियों, संघर्ष तो मेरा कहीं ना कहीं चैलेंज के रूप में मिला है। साथियों, में आगे पढ़ता रहा। जवाहरलाल बेहरवा भी एक गुरु थे हमारे, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लादूलाल जी शर्मा भी थे, उन्होंने भी मुझे संघर्ष के लिए कहा, बेटे संघर्ष करते रहो। साथियों, जब कक्षा 8 मैंने पास की, तो साथियों में रिजल्ट आया था, तब रोया था। उसका कारण था कि 10-5 दिन में पहले मैं गिर गया था और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मेरी लिखने की स्पीड कम हो गई थी, मैं पेपर में पूरी तरह पेपर नहीं कर पाया था, क्वेश्चन छूट जाते थे। इसलिए मेरा सपना था कि मैं मेरिट में आगे रहूंगा, वो मेरा सपना अधूरा रह गया था। साथियों, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। साथियों, बात थी कि 8वीं पास होने के बाद मुझे 7 किलोमीटर दूर स्कूल में जाना था, पीपलू। साथियों, समस्या थी माता पिता के सामने, परिवार के सामने, सभी कहने लगे कि कैसे पढ़ेगा, कैसे जाएगा। साथियों, बहुत सारे लोगों ने जो कहा कि चल तू तो पढ़ाई छोड़ दे, क्या करेगा पढ़ के, मम्मी पापा तेरे को पाल लेंगे, लेकिन मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया और ना ही सोचा कि मैं कैसे जाऊंगा। साथियों, पापा को बोला कि प्रवेश दिला दो पापा, आप तो दिख ही जाएगा आगे क्या होगा। पापा ने एडमिशन कराया, मैं स्कूल जाने लगा। कक्षा 9 जैसे तैसे मैंने पास कर ली। बताना चाहूंगा दोस्तों, कक्षा 10 में जब प्रवेश लिया तो 20-20 की समस्या थी, तो बलदेव जी मेडिकल वाले पीपलू, कजोर जी जैन, इन्होंने मेरे को किताबें कापियां पीस देकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथियों, जब कक्षा 10 में आया तो एक गोयल साहब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे, जब 7:30 का टाइम था तो सारे बच्चे लेट आते थे, लाइनें लगी रहती थी। उस समय सर बहुत परेशान हो चुके थे
एक दिन दोनों हाथों में डंडे लेकर के और टीसी बुक मंगवा करके कहने लगे कि आज ऐसा कौन सा बच्चा है जो आज के बाद भी लेट आएगा, जो लेट आएगा वह टीसी उसकी काट के दे देंगे। तो साथियों, इस डर से, टीसी काटने के डर से सारे बच्चे बैठे हुए थे और सब बोल रहे थे हम टाइम पे आ जाएंगे आ जाएंगे। लेकिन साथियों, मैं खड़ा हो गया और कहने लगा, सर सॉरी, मैं नहीं आ सकता सर। क्यों क्यों नहीं आ सकता? सर साधन में नहीं है, साइकिल भी चलाना नहीं आती, मोटरसाइकिल भी नहीं है जी, बस कुछ भी नहीं लगती है, सुबह सर कैसे आऊं, कोई लाता भी नहीं है। देख ले बेटे, उन्होंने कहा कि अगर तू नहीं जा सकता तो जिंदगी में तेरे काम हमेशा लेट होंगे, तो कभी सफल नहीं होगा टाइम पे। साथ ही मैंने तुरंत सोचा और कहा, सर मैं कल से टाइम पे आऊंगा। सारे बच्चे हंसने लगे, बाबूलाल कैसे आएगा, सारे टीचर्स आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन मैंने कहा मैं कल आ जाऊंगा। दूसरे दिन साथियों 4 बजे उठ करके, नहा धो करके, बैग लटका करके 5 बजे वहां से मैं शुरू हुआ। साथियों में पैदल 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 बैग लेकर के स्कूल जाने लगा और 7:18 पे मैं स्कूल पहुंच गया। साथियों, जब मैं वहां खड़ा था तो 7:20 पे प्रिंसिपल साहब आए तो गेट से देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि बाबूलाल आज कैसे आते। मेरे को पूछा कैसे आया बाबूलाल, मेरा सर बस आ गया मैं। तो उन्होंने कुछ कह करके प्रार्थना का टाइम होने में आया था, बच्चे आ गए थे, प्रार्थना में लग गए। प्रार्थना मेरे को खड़ा करके कहने लगे कि बाबूलाल तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद, तू बधाई का पात्र है। मेरा सर मुझे धन्यवाद मत दो, मुझे धन्यवाद आज नहीं चाहिए सर, मुझे धन्यवाद उस दिन देना जिस दिन मैं लगातार टाइम पे आऊं। साथियों, मैं टाइम पे आने लगा, जब तक पढ़ा जब तक वही 7:30 आता था। हाँ, बाद में कुछ परिस्थितियां बदल चुकी थी, साधन लग गए थे, तो मैं कभी बस में, कभी जीप में, कभी साइकिल पे। एक मेरा दोस्त शंकरलाल भेरवा था लोहरवाड़ा से, वह भी आता और मुझे साथ में ले आता। साथियों, जब 10 का टाइम होता तो बस आती थी, जब शुरुआत हुई मुझे, वह मेरा पहला प्रयास था संघर्ष का, कि जब मैं बस में चढ़ने लगा तो साथियों जो ही बस में चढ़ा तो पकड़ा नहीं गया था, वापस धड़ा से नीचे गिर गया। साथियों, सारे बच्चे बच्चे देख रहे थे, हंसने लगे और वो गिर गया, गिर गया। साथियों, मैंने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, फिर मैंने उठ करके दोबारा प्रयास किया और किसी ने मुझे थोड़ा सा धक्का लगाया और मैं चढ़ गया। साथियों, वहां पर अगर हार मान जाता तो शायद मैं वहीं रुक जाता। आगे बढ़ा साथियों, कक्षा 12 में प्रवेश लिया, जुई में कक्षा 12 में प्रवेश लिया तो मेरे पास पीस के पैसे नहीं थे। उस टाइम 560 रुपये पीस के लगते थे लगभग। मैंने कहा क्लास टीचर से कि सर मेरे पास पीस नहीं है, तो उन्होंने जुलाई तो निकाल दी लेकिन 1 अगस्त को मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया कि पीस हो, जिसके पास पीस नहीं हो बाहर निकल जाओ। तो साथियों, मैं बाहर निकल गया। साथियों, में प्रिंसिपल साहब के पास में जो चंद्र मोहन उपाध्याय जी हमारे डीओ रह चुके हैं टोंक के, उनके पास गया कि सर मेरे पास पीस नहीं है, मैं क्या करूं, पीस लेके आओ। मैं रोता रोता निकल गया। साथियों, एक विचार आया गेट पे आते आते कि मेरे गांव के ही एक राम स्वरूप वर्मा जो भी टीचर है, उन्होंने मेरे को एक बार ये कहा था कि तेरे को समस्या आ रही है तो SDM मैडम आई है, बहुत अच्छी है, उनके पास ले जाना। तो साथियों, मैं रोता रोता 1 किलोमीटर दूर पैदल पैदल SDM अंजू राजपाल जी के पास में चला गया।
सातवां गेट पे जो चौकीदार था उसके हल्का सा धक्का लगा कि मैं अंदर घुस गया, मेरे को नहीं जाने दिया था। फिर भी साथियों में जब मैं मैडम को बोला तो मैडम मेरी स्थिति देख करके, पढ़ाई के बारे में पूछ करके, वहां पर एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे जानवरों के, वह भी मीटिंग में थे, तो उन्होंने कहा कि साहब ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको तो चाहिए हेल्प। तो साथियों मैडम ने प्रिंसिपल साहब को फोन किया कि आप इनकी फीस की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, ये बच्चा पैदल पैदल आया, गरीब है। तो उन्होंने क्या कहा मुझे पता नहीं, मुझे वो कहा कि बेटे जाओ। मैं पैदल पैदल गया गेट पे, मेरे को प्रिंसिपल साहब खड़े होकर के कि बाबूलाल तू हमें बताता ऐसी स्थिति में, सर बताए तो थी ना, मैंने कोई बात नहीं है, वह मेरे एक धक्का लगा था गरीबी का कि मैं गरीब था इसलिए। साथियों वहीं का एक उदाहरण कि जब मैं एक ट्यूशन पढ़ने गया 500 रुपए लेते थे महीने, तो वहां पे मेरे पास 500 रुपए नहीं थे। मैंने कहा सर मैं एक महीने बाद दे दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा दूसरे तीसरे दिन फीस लानी होगी, तो मैं वो ट्यूशन छोड़ना पड़ा था साथियों। तो एक गरीबी के झटके मुझे बहुत लगे थे साथियों। साथियों 12वीं पास करने के बाद में जब मैं टॉप कॉलेज में प्रवेश लेने का था, तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई घर वालों के सामने। और उस समय साथियों मैंने भी सोचा था कि मैं कैसे जाऊंगा, कौन पानी पिलाएगा, कैसे है। तो साथियों जब ऐसी स्थिति आई तो भी मैंने हार तो नहीं मानी साथियों, पापा को कहा कि मुझे एडमिशन तो दिलाओ। उस समय मेरा दोस्त शंकर लाल बेरवा लोरवड़ा से, बहुत ही अच्छा है, जिंदगी भर उनके एहसान नहीं भूलूंगा, उन्होंने भी कहा कि मैं हूं ना तेरे साथ बाबूलाल, क्यों घबराता है, इस तरह से हौसला करके मेरा एडमिशन करा दिया। साथियों मुझे रोजाना कॉलेज जाना था और मेरा दोस्त कभी कभी जाता था, लेकिन मुझे रोजाना जाना था। सुबह 7 बजे बस लगती थी और शाम को 7 बजे बस वापस आके छोड़ती थी। साथियों वह भी बहुत बुरी स्थिति थी कि मैं 7 बजे घर से पानी पी के जाता था और वह कौन पिलाए किसी को कहना मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं प्यासा प्यासा घर आकर के पानी 7 बजे पीता था। साथियों पानी की बात आ गई, एक बार मैं बकरियां चराने गया था, वहां पर मेरे साथी थे वो गांव में आ गए थे बकरियां मुझे छोड़ के, और मुझे बहुत तेज प्यास लगी साथियों। साथियों क्या बताऊं, प्यास को मिटाने के लिए कुएं के पास में गया, वहां पर जो खेल होती है जानवरों को पानी पिलाने की, जानवर पानी पीते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी था। साथियों में झुक करके उसमें पानी ली और मेरी प्यास बुझाई, उन जानवरों के जो पानी पीते थे उससे मैंने प्यास बुझाई साथियों, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी साथियों। साथियों कॉलेज आने लगा, वापिस जाता था साथियों। एक बार टोंक से आगे सोयला गांव पड़ता है, वहां पे बस रुकती है, तो वहां पे साथियों जब बस रुकी तो मेरा एक दोस्त मेरे बराबर में बैठा हुआ था, मेरे गांव के पास का है, मेरे ही जाति का है, मेरे ही साथ पड़ा हुआ था। मैंने उनको बोला कि यार तू मुझे पानी पिला दे, कहने ठीक है चले। नीचे जाके फिर खड़ा हो गया कि जा पानी पिया, मैं फिर बोलूं उसको अरे यार तू पिला भैया। फिर आगे चल गया होटल वाले, कहता कि पानी गिलास में भर के दे दो। तो साथ ही जब वह पानी गिलास भर के लाया तब तक मेरा दोस्त वापस बस में जाके बैठ चुका था और मैं मुंह लटका करके और यूं कह करके कि भैया मैं बुला के लाता हूं, ऐसा कह करके आकर के बस में बैठ गया। साथियों इस तरह से संघर्ष किया है मैंने जीवन में, कदापि हार नहीं मानी, और हार मानता तो यहां पर नहीं होता। साथियों जब कॉलेज में जाने लगा तो वहां पे गिरिराज मीणा, अमित रणवाल ऐसे मेरे साथी थे, उन्होंने रेणु वर्मा हिंदी की व्याख्याता से मुलाकात करवाई और कॉलेज व्याख्याता टॉप हिंदी उन्होंने मेरे को पीस और किताबों की व्यवस्था करने लगी साथियों। साथियों जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मैडम मुझे बोलती है कि बेटे ले 500 रुपए ले
और तू पीटीटी की तैयारी करना, एक गाइड ला करके और एक कॉपी ले आना, एक पेन वेन ले आना। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि छुट्टियां लग गई, मैंने वो पैसे आकर के मम्मी के बक्से में रख दिए और पीटीटी की जो बुक है मेरे एक दोस्त ने मुझे उपलब्ध करवा दी, कॉपी मेरे पास पड़ी हुई थी, पेन भी पड़ा हुआ था, मैंने मेरी पढ़ाई जारी कर दी। साथ ही जब बीए फाइनल की फीस जमा होने लगी, उस समय मैडम ने कहा कि बाबूलाल फीस के पैसे ले जा, कितने लग रहे हैं? मैंने मैडम 1700 के लगभग लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबूलाल, ये 1700 रुपये फीस जमा करा दे। तो मैंने कहा मैडम 1700 रुपये मत दो आप, 1200 रुपये के लगभग दे दो मुझे, 500 रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं। कौन से बाबूलाल? कि मैडम जो आपने दिए थे मुझे, मैंने बुक किसी दोस्त ने प्राप्त कर ली थी फ्री में और मेरे वो 500 रुपये पड़े हुए, मैंने 1200 रुपये उनसे लेकर के मेरी फीस जमा कराई। साथियों मैडम बड़ी आश्चर्यचकित हुई। साथियों वहां पे जब कॉलेज पढ़ता था तो एग्जाम के टाइम में समस्या आई और समस्या ये थी कि किस तरह से मैं वहां एग्जाम 7:30 बजे कैसे देने जाऊं, किसके पास रहूं। लेकिन मेरी मौसी राम प्रसाद जी, उन्होंने मेरे को कहा, मेरी मौसी ने कि बेटे मेरे पास रहे, मैं तेरी सेवा करूंगी। उन्होंने मेरी सेवा प्रारंभ की, मैं वहां रहने लगा। साथियों उनके बड़े बेटे ब्रजमोहन, उनकी बंदी कांता भाभी, मेरी बहुत सेवा की, उनकी जिंदगी भर गुणगान नहीं भूलूंगा। भाभी तो ऐसी थी कि जाते वक्त भी मुझे कुछ भी करती रहती थी, पानी पिला के भेजती थी और आते ही पानी पिलाती थी। साथियों बड़ी भाभी जी सुशीला देवी, उन्होंने मेरी सेवा की है, बच्चों ने भी सेवा की है। मेरी एक बहन है पाना देवी, उन्होंने बच्चों ने मेरी बहुत सेवा की है। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि एक शंकरलाल बेरवा जो लोरवड़ा का था, मेरा दोस्त है, बताया था मैंने आपको पीछे, उन्होंने मेरी की चड्डी बनियान सब कुछ धो करके नीला करके कपड़े पहना करके खाना खिला करके तैयार करके कॉलेज भी ले जाता, सब कुछ करता था। उसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है, मेरा पथ प्रदर्शक है, मुझे रास्ता दिखाने वाला है। साथियों इस तरह से कॉलेज बीए किया, हमें किया। साथियों खुशीराम बाची के हैं, उन्होंने मेरे को बीच में एक दिन बाजार में कहा कि भैरव समाज के कोचिंग चलती है, निःशुल्क कोचिंग बाबूलाल जी अगर आप पढ़ा सकते हो तो। मैंने ठीक है साहब कल से। मैंने 3-4 साल तक निःशुल्क कोचिंग पढ़ाई है सर, 1 किलोमीटर दूर पैदल जाकर के कैसे भी। साथियों उसके बाद मैंने बीएड की। उस समय साथियों वर्तमान में जिला पूर्व जिला प्रमुख श्रीमान राम बिलास जी चौधरी उस समय जिला प्रमुख थे, उन्होंने मेरे को एक IWDP संस्था में लगा करके और मेरा जो स्थिति आर्थिक स्थिति थी उसके ढांचे को थोड़ा मजबूत किया। उनका एहसान भी कभी नहीं भूलूंगा, उनकी बदौलत की मैंने बीएड कर ली, क्योंकि गरीबी स्थिति तो बहुत थी। साथियों जब बात थी ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। साथ ही उसी बात को लेकर के मैं 11 सितंबर 2012 को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनवा में पदस्थापित हुआ। यह मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी को मैं प्राप्त कर चुका था। साथियों सभी सम्मानित मामाशाओं जो सहयोग किया, सेवा किए, उनकी बदौलत से सर्विस पे। उस समय साथियों जाने की थी, कुछ दिन पापा जी ले गए, कुछ दिन हेमराज लैंड के गुरुजी थे वह ले गए, और लगभग 7 साल से आज तक भी श्रीमान प्रहलाद जी माली व्याख्याता अंग्रेजी अर्नियामाल वह ले जाते हैं मुझे।
बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से साथ देते हैं मेरे, बाजार में ले जाते हैं, बाजार का काम करवाते हैं, घर से लाते हैं, घर छोड़ते हैं साथी। साथियों जब मैंने बालिका स्कूल ज्वाइन किया, दूसरे दिन मैंने संस्था प्रधान श्रीमती माया जी से बात की कि कितने बच्चे के, 101 बच्चे हैं, तो 30-35 बच्चे आते थे, क्यों नहीं आते, क्या है, बातचीत की मैंने। दूसरे दिन मैंने सभी बच्चों के नाम लिख करके, उनका पता लेकर के, कुछ बच्चों को साथ लेकर गांव में संपर्क करना शुरू कर दिया था। साथियों घर घर जाकर के मैंने समस्त बच्चों से, 101 बच्चों से संपर्क किया साथियों, और लगभग 10-15 दिन के अंदर साथियों लगभग 80-85 बच्चे आने लगे। ये मेरा पहला कदम था शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास। साथियों में लगातार बच्चों के लिए उनको अनुशासन में रहना, उनको नियमित स्कूल में आना, इसके लिए मैंने उनको प्यार जीता, उनका दिल जीता, मेरा दिल उनको लुटाया। बच्चे मेरे पास बने, मैं उनके पास बना, मैं उनके बीच में रहता साथियों, ताकि बच्चे मेरी बात मान सके, मेरा कहना मान सके, स्कूल आ सके और कुछ सीख सके। साथियों बताना चाहूंगा, मुझे संघर्ष तो बहुत करना पड़ा था स्कूल के विकास के लिए, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन विकास करने में, स्कूल के विकास करने में बहुत रुकावटें आई थी, बहुत से लोगों ने मुझे रोका था, लेकिन मैं रुका नहीं साथियों। साथियों बताना चाहूंगा कि अप्रैल 2016 में प्रवेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया, और मैंने बाजा लेकर के समस्त पंचायत के सरपंच मेंबरों को लेकर के पूरे गांव में रैली निकाली है। श्रीमान उमराव सिंह जी, जीएसएस अध्यक्ष थे सोनवा के, उनसे मैंने किताबें, बैग बच्चों को दिलवाए। मुकेश जी वार्ड मेंबर थे, उनसे कॉपियां, पेन, पेंसिलें दिलवाई। इस तरह से मैंने बच्चों के हित में कार्य किए। साथियों जब 26 जनवरी 2017 मेरे सामने, 26 जनवरी 2013 मेरे सामने थी, तो बच्चियां कहने लगी कि सर एक बात हमारी मान जाओ और बढ़िया प्रोग्राम कराओ डीजे लगा करके। उससे पहले वहां पे कोई माइक वाइक नहीं लगता था, और आधा एक घंटे का प्रोग्राम छोटे मोटे गाने मोबाइल से चला करके किए जाते थे। मैंने बहुत मेहनत की, प्रयास किया, और 26 जनवरी 2013 का जो उत्सव था बड़ी धूमधाम से मनाया। लेकिन बच्चियों ने मेरे सामने शर्त रख दी थी कि सर जी ते तो स्टेज बनवाओ, मैं स्टेज बना चला। साथियों 26 जनवरी को सुबह 5 बजे गांव में गया मैं, मेरे भतीजे को लेकर, भाई को लेके, और वहां पे 5 बजे मैंने मालूम किया कि किस तरह स्टेज बनाना, तो लोगों से 4-5, 8-10 बच्चों को मैंने इकट्ठा किया, और गांव में से तख्ते का, जो तख्ते आते हैं लकड़ी के, उनसे मांगा, ट्राई की मैंने, और 4 तख्ते ला करके बढ़िया स्टेज सजा करके तैयार कर दिया, बढ़िया डीजे लगा के तैयार कर दिया, जब तक स्टाफ आया 7 बजे पहले पूरा तैयार कर दिया। बच्चियां बड़ी उत्साहित हुई, खुशी हुई, और बच्चियां तब से मेरी पूरी बात को मानने लगी कि सर हम, आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हो, तो हम आपके लिए क्यों नहीं कर सकते, आप तो बोल दिया करो सर, आप जब कहोगे, जब पढ़ेंगे, जब लिखेंगे, जैसे करेंगे। साथियों 31 जुलाई 2016 को मेरा स्टाफिंग पैटर्न में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अरनियामाल में स्थानांतरण हो गया। उस समय मेरा पेट फ्रैक्चर हो रखा था। साथ ही में जब वहां गया तो एक दिन ज्वाइन करके मैंने छुट्टियां ले ली, 13 तारीख को ज्वाइन किया, 14 का संडे था। 15 अगस्त 2016 को वहां पे जब प्रोग्राम हुआ तो मैं 10 मिनट रुका था, मुझे यहां सोनवा में एंट्री करने के लिए बुला लिया गया था। 10 मिनट मैंने देखा तो 6 लोग बैठे हुए थे, एक सरपंच साहब बैठे हुए थे और एक दो आसपास के लोग, 6 लोग बैठे हुए थे। साथ ही 10 मिनट बोला तो मुझे देखा ये क्या है, वही मोबाइल से गाने, उसी तरह से छोटा प्रोग्राम,
एक घंटे डेढ़ घंटे का, कुछ लोग नहीं है। साथ ही उसी टाइम से लक्ष्य बनाया था कि अगली बार 26 जनवरी 2017 इसे नहीं आने दूंगा, इस ग्राउंड को भरा हुआ देखना चाहता हूं। साथियों जब ग्राउंड भरने की बात दिमाग में आई तो उस दिन तो मैं यहां सोनू आ गया था एंकरिंग के लिए। मैं बाद में गया तो मैंने मेरा कार्य शुरू कर दिया। साथियों 3 महीने पहले से ही एक राधे श्याम नामक लड़का है, वहां का अरनियामाल का ही, वो इंटर्नशिप करने आया था। उनके सहयोग से, मेरे प्यारे बच्चों के सहयोग से, मैं गांव में जानता नहीं था। साथियों ने प्रत्येक बच्चे को कहा कि बच्चे आपके आसपास जो भी अच्छे बामासा है, अच्छे अमीर लोग हैं, अच्छे वक्ता हैं, उनके दो दो के नाम लिख के लाओगे, पक्का लिख के लाओगे। बच्चे हाँ सर साहब। इस तरह से मैंने कलेक्शन किया मोबाइल नंबर सहित। हम घर घर गए, 3 महीने तक उनसे बात करता रहा। वो बोलते हैं सर स्कूल कभी आया करो, तो वह कहते हैं सर आएंगे जब बुलाएंगे तब। अरे सर अभी तो नहीं बुलाएंगे, कभी मौका मिलेगा। इस तरह से मैं उनका मन जीतता रहा, घर घर जाता रहा, बच्चों से संपर्क करता रहा। साथियों जाते ही मैंने वहां के स्कूल की स्थिति देखी, लगभग शिक्षा का स्तर तो लगभग सही था, लेकिन साथ ही मैंने देखा कि साइड में बहुत गड्ढे थे। हमारे अजीम प्रेम जी के नरेंद्र जी भी देख के आए थे पहले, साइड में गड्ढे थे। एक जहां हेडपंप का पानी बहता था वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा था, कीचड़ होता था, सड़ता था। साथियों ग्राउंड की स्थिति बहुत बमबूल थे, पीछे ऑफिस के पीछे बमबूल थे। मैंने पहला प्रयास बच्चों के सहयोग से, कुछ मामासा के सहयोग से उस गड्ढे को, उस बमबूल को खुदवाया, वहां की मिट्टी साफ करवाई और वहां पे बिल्कुल धरातल, समतल धरातल बना दिया मैंने। उसके बाद हेडपंप की तरफ कीचड़ता होता था, उनको भी मैंने गड्ढे को भरवा करके, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के सहयोग से, सब कुछ मेरे बच्चे हैं, उनकी मेहनत, मैं कुछ नहीं, मैं खड़ा रह करके उन गड्ढों को भरवाया। आज हेडपंप के बराबर बिल्कुल समतल है, नाली बनवा दी। साथियों इस तरह से यह मेरा स्कूल में पहला विकास कार्य करने का प्रारंभ था। मैंने क्योंकि प्रोग्राम सामने था 26 जनवरी 2017 का, मैंने हमारी संस्था प्रधान से कहा, मैडम अपन 26 जनवरी का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मैडम डीजे भी लगाते हैं, टेंट भी लगाते हैं। मैडम ने कहा बाबूलाल जी यहाँ के लोग तो आते भी नहीं हैं, कोई भी नहीं आता है, और पैसे भी नहीं देंगे, खर्चा भी कहाँ से करेंगे अपन। मैंने कहा मैडम एक बार अपन करके देख लेते हैं, मेरे पे विश्वास रखिए मैडम, अपन मेहनत तो करते हैं, आगे परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, मिल जाएगा, आज नहीं कल मिलेगा मैडम, आगे नहीं करेंगे मैडम। मैडम ने कहा ठीक है बाबूलाल जी करो, आपको विश्वास तो आप करो। तो साहब मैं घर घर घूमा, गांव गांव में घूमा, प्रत्येक बच्चे से, प्रत्येक अभिभावक से मिला, लगातार घूमता रहा। साथियों में 26 जनवरी 2017 का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया, और साथियों 18,353 रुपए का कलेक्शन हुआ, 18,353 रुपए का कलेक्शन हुआ साथियों। और बच्चों के लिए कुछ किताबें, कॉपियां भी मिली, पेन भी मिले, और साथियों ग्राउंड भरा हुआ था, समस्त ग्राम के वासी, पूरे गांव के बहुत सारे लोग, महिलाएं बच्चे देखने आए थे कार्यक्रम। साथियों प्रोग्राम मैंने बहुत अच्छी तरीके से किए, मैंने वहां पे बहुत सारे कार्य भी किए हैं। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि अरनियामाल में मैंने पंचायत से, सरपंच शिवजी लाल जी से बार बार पीछे पड़ के
कुछ अभिभावकों को उनके पीछे पटवा करके और पंचायत से पुताई करवाइए। साथियों, मैंने पंचायत के पीछे पड़ के बाहर से अंदर तक रोड बनवाई है, 2 साल लगातार पीछे पड़ा था, बहुत सारे अभिभावक जुड़े हैं। मैंने बच्चों के लिए टेबल बेंचे बैठने के लिए कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए टेबल बेंचे बनवाई है बामा साहब के सहयोग से। मैंने आगे स्कूल नेम का एक बोर्ड बनवाया है बामा साहब के सहयोग से। मैंने बच्चों को बैग, पेंसिल, रबर, मोजे ये दिलवाया है बामा साहब के सहयोग से। साथियों, मेरे बच्चों के प्यार, अभिभावकों के व्यवहार से मैं कार्य करने लगा। अभिभावक मेरी बात को मानने लगे, समझने लगे, स्कूल में आने लगे। बच्चों के सफेद जूते, लाल मोजे, सफेद ड्रेस, टाई, सब कुछ, आइडेंटिटी कार्ड सारे बनवाए साथियों मैंने। साथियों, बच्चों के लिए मैं क्या क्या नहीं कर सकता, बच्चों के लिए मैं सब कुछ किया है मैं, क्योंकि मेरे लिए बच्चे ही सब कुछ है। साथियों, बताना चाहूंगा, जब मैं वहां पे गया, वहां का जो नामांकन था वह 88 था, 10 बच्चे हैं जो पिछले 8वीं में थे वह चले गए थे, इस तरह लगभग 72 के लगभग बच्चे रहे होंगे, मुझे कंफर्म नहीं है। साथियों, मैंने डीजे बजाकर गांव में रैली निकाली, पंपलेट बांटे, मैंने बच्चों के लिए बैग वितरित रहे, मैंने कॉपियां बांटने का ऐलान करवाया, पेन पेंसिल बांटने का ऐलान करवाया। और साथियों, उस साल 42 बच्चों को न्यू एडमिशन दिलवाया और आंकड़ा 114 पर पहुंचा, 114 बच्चों का एडमिशन हुआ। साथियों, उसके अगले साल मैंने प्रयास किया, नामांकन 138 हुआ। उसके अगले साल 2019-20 में साथियों किसी कारणवश दबाव में आके, टेंशन में आकर के मैंने संपर्क करना बंद कर दिया। पिछले प्रवेश उत्सव में मैंने कुछ भी नहीं किया, स्कूल का नामांकन वही 138 रहा। साथियों, इस साल मैंने फिर कोशिश की, मैं लॉकडाउन से लगा हुआ हूं प्रवेश को लेकर के, आज मेरे स्कूल का नामांकन 160 बच्चे तो सारा दर्पण में चढ़े हुए हैं और 170 बच्चे करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये नामांकन नो गारंटी, नो वारंटी, सिर्फ विश्वास। तो आइए अपने बच्चों को प्रवेश दिलवाइए, इसी कथन को लेकर के किया है। साथियों, साथियों बताना चाहूंगा, मैंने श्री शांतिलाल मीणा जो वर्तमान में सरपंच है उनसे 148 बच्चों को जर्सियां दिलवाई। बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर, उनसे मैंने बच्चों को स्वेटर दिलवाए। डॉक्टर प्रमोद जोनवाल, उनसे मैंने 10 गरीब बच्चों को स्कूल ड्रेस दिलवाई। और दिनकर जी के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से, हर हाथ कलम अभियान कहते हैं, मैंने मिनी स्टेशनरी बैंक की स्थापना की। साथियों, इसका उद्घाटन श्री राजा राम मीणा पीओ ने किया था। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, ये मेरे विकास, स्कूल विकास में कार्य थे। उस समय मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। सर, रिकॉर्ड क्या तोड़े, क्या बताऊं, रिकॉर्ड तोड़े हैं कि अब तक जब से स्कूल खुली है, जब से 121 से एक भी बच्चा ज्यादा नामांकन नहीं था। हाइस्ट 121 का नामांकन था, उसको आज 170 का कर दिखाया, ये रिकॉर्ड तोड़ा मैंने। साथियों, कभी इतनी राशि कार्यक्रमों में नहीं आती, वह रिकॉर्ड तोड़ा मैंने। साथियों, 6 पोस्ट थी, आज 9 की पोस्ट है वहां पे, ये रिकॉर्ड तोड़ा। साथियों, रिकॉर्ड तोड़ने की बहुत बात है। साथियों, में अब लॉकडाउन की तरफ जाता हूं कि 22 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ,
सात आठ दस दिन बैठा रहा घर पे, बाद में सोचा क्यों ना मैं मेरे बच्चों के लिए उस छह घंटे को स्कूल हित में काम ले सकूं, बच्चों के हित में काम ले सकूं। साथियों, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दो साल पहले से बना रखा है। पहले तो मैं सिर्फ बच्चों की शिकायत डालता, अभिभावकों से उनकी शिकायत डलवाता, बच्चों की उनसे भी कहता कि मेरी भी कोई शिकायत हो तो मेरे व्हाट्सएप पे डालिए, कोई भी सूचना होती है अभी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजता। लेकिन साथियों, लॉकडाउन में वो व्हाट्सएप ग्रुप मेरे काम आया, मैंने उसके माध्यम से बच्चों को गृह कार्य देना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप के माध्यम से जब मैंने गृह कार्य देना शुरू कर दिया, दो चार पांच दिन तो मैंने गृह कार्य दिया साथियों, लेकिन समस्या थी, कहने लगे अरे बच्चे कहां से गृह कार्य करेंगे, उनके पास मोबाइल नहीं है, नहीं करेंगे। साथ इसी बात की पूर्ति के लिए मैंने अभिभावकों को फोन करना शुरू कर दिया। रोजाना पांच सात अभिभावक फोन करता, उन्हें कहता कि व्हाट्सएप मैंने गृह कार्य डाला, आप बच्चों को गृह कार्य करवाइए। अभिभावक कहता कि अजी हम खेतों में, चलो घर पे जाते ही फोन कर देना, मैं टाइम पूछता उसी टाइम फिर कॉल कर देता। फिर अभिभावक कहता कि अजी एक घंटा रुको, आधा घंटे रुको, दस मिनट रुको, मैं उसके बाद फिर फोन कर देता और उन बच्चों से बात करके उनको गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करता, और बच्चों ने गृह कार्य किया भी है। लगभग 60% बच्चों ने आज भी व्हाट्सएप गृह कार्य को कर रखा है साथियों। उसके बाद साथियों, चल रहा था कार्यक्रम, लेकिन मेरा एक भतीजा तुषार टाटावत, जिसको गुड्डू के नाम से जानते हैं, उसने मेरे को एक दिन बेटा बेटा यूट्यूब चैनल बना दिया। वो यूट्यूब चैनल बनाते ही वो बोलने लगा कि चाचा तू तेरे जो पढ़ाई के वीडियो है, गृह कार्य डालता है, उसको एक पढ़ा करके एक वीडियो बना करके तू इस ग्रुप इस पे डाल देगा, चैनल पे डाल दिया कर, और फिर बच्चों को सेंड कर दिया कर। मैंने कोशिश करी, दूसरे दिन मैंने वीडियो डाला, मुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, उसने सिखाया और उसने यूट्यूब चैनल पे डाला। साथियों, वो यूट्यूब चैनल पर मेरे को बहुत अच्छा मिला, रेस्पॉन्स मिला, बच्चे वीडियो देखने लगे, अभिभावकों को फोन करता, बच्चे अभिभावक कहते देखते हैं साहब, मैंने देखते हुए कि फोटो खींच के डालो। कोई अभिभावक कहता कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, साहब फला को फोन कर रहा हूँ, मैं फोन करता भाई साहब नंद किशोर जी, भाई साहब आप अपने ये दो बच्चे भेज रहा हूँ इनको दिखाना, और वो उनके पास भेजते और उनको दिखाते। फिर उनको कहता, दूसरे को फोन करके कहता कि आप जाओ दो मिनट बच्चों का वीडियो दिखा रहे हैं नंदकिशोर जी भाई साहब, आप उनका फोटो खींच के डालो, प्रकाश उनको वीडियो दिखा रहा है, उनको पढ़ा रहा है, आप उनके फोटो खींच के डालो। तो साथ ही इस तरह से मैंने लॉकडाउन में व्हाट्सएप के माध्यम से गृह कार्य और ऑनलाइन क्लास देना काम शुरू किया, आज लगातार कार्य चल रहा है। सारियों बताना चाहूंगा साथियों कि जिस दिन लॉकडाउन था और ऑनलाइन क्लास देने का दिमाग में विचार आया, तो उस समय मेरे पास कोई शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं थी। साथियों, में आस पड़ोस में मांगा, मैंने प्राइवेट स्कूल में जो मेरी जानकारी थी वहां पर मैंने फोन किया कि मार्कर मिल जाएगा क्या, बोर्ड तो मेरे पास था, मैंने मार्कर मिल जाएगा क्या, चौक मिल जाएगी क्या, चार्ट मिल जाएंगे क्या, कलर मिल जाएंगे क्या, साथियों सबने मना कर दिया। मैंने एक दिन नरेंद्र जी सर, जो अजिम प्रेम जी फाउंडेशन चलाते हैं टोंक में, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा हाँ बाबूलाल जी मिल तो जाएंगे, लेकिन आपको अजिम प्रेम जी जाना पड़ेगा, वहां गार्ड साहब वो दे देंगे। तो साथियों, मैंने मेरे एक भतीजे और एक वहां किराए से रहता था लोकेश नाम का बच्चा, उनको मैंने शाम की 6 बजे जब अंधेरा हो गया था कब्रिस्तान में, से रस्ते में क्या पता किधर किधर से गलिये में घूमते हुए वह अजिम प्रेम जी पहुंचे, वहां पर गार्ड साहब से नरेंद्र जी उनको मार्कर, कलर के मार्कर, चार्ट और कलर, स्केच कलर दिलवाएं। साथियों, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा उनका कि जब से लॉकडाउन हुआ, जब से वह मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। साथ उन्होंने यूं तक कहा था कि बाबूलाल जी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, शिक्षा जैसे सामग्री लाने में, आटा वाटा लाने में, किसी प्रकार की सामग्री लाने में परेशानी है, तो आप मुझे बोल देना, मैं उपलब्ध करवा दूंगा किसी को भेज करके। साथियों, मैंने कहा ना सर कोई दिक्कत नहीं। साथियों, बताना चाहूंगा कि इसी कड़ी में 15 मई
को मेरा मेरे बेटा हुआ था वो एक्सपायर हो गया था, फिर भी मैं 3 दिन छोड़ करके चौथे दिन से वापस ऑनलाइन क्लास देना शुरू कर दी थी। साथियों मैं रुका नहीं, सभी लोगों ने मुझे सराहा। दिनकर जी पीपलों ने तो कहा भी था कि अभी 2-5-10 दिन रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो पिछले वीडियो उनको ही डाल दो। लेकिन मैंने कोई दिक्कत नहीं है साथियों, मैं उस समय गांव से 1 जून को मेरे जीजाजी को लेकर अन्यमाल पहुंचा और वहां पे घर घर जाकर के मैंने प्रत्येक बच्चे का सर्वे किया, डोर टू डोर जाकर के उनको जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उनके कार्यक्रमों को अवगत कराया कि आप देखा करो, गृह कार्य किया करो। मैंने गृह कार्य साथ में फिर लगातार 2-3 दिन छोड़ करके मैं जाने लगा, हर किसी को दोस्त को ले जाता। और साथ ही एक बार तो जो प्रहलाद जी माली है उनके बच्चे हैं नीतीश सैनी, उन्होंने मेरे को छोड़ करके आया था 6 बजे। और मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार मैंने लॉकडाउन में कार्य किया है। साथियों गृह कार्य जाचा है, उनको गृह कार्य दिया भी है। बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैंने मेरी मिसेज मीना को प्रेरित करके उनसे बटरफ्लाई और बक्कल बच्चियों के लिए उपलब्ध करवाए। साथियों मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मैं बच्चों के लिए नहीं रह सकता और बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं। साथियों मैं पिछले एक बार बताना भूल गया, मेरा छोटा भाई हेमराज है, वह भी जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था मेरी बहुत सहायता करता, आज भी करता है। धन्य है मेरे परिवार को, धन्य है मेरी 5 बहनों को। साथियों अभी जो वर्तमान में मेरा कार्य चल रहा है वह घर घर जाकर नोट्स वितरण करना, बच्चों को TLM बनाने के लिए समस्त शिक्षण सामग्री मेरे द्वारा उपलब्ध करवा करके चार्ट ले जा करके उनके बच्चों को देख करके, और मैंने TLM बनवाए। साथियों 2-2 बच्चे और क्लास के बच्चे TLM बना रहे हैं, समस्त बच्चों में रुचि है TLM बनाने की, चित्र बना रहे हैं और कोरोना के चित्र बना रहे हैं, शिक्षण हिंदी के शिक्षण सामग्री उसके TLM बना रहे हैं, गणित के बना रहे हैं। साथियों में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को गृह कार्य डालता हूं जब टाइम मिलता है। सभी बच्चों को अपना मानता हूं, नए क्लास का कोई भेदभाव नहीं है कि मैं कक्षा 1 से 5 तक नहीं पढ़ाऊंगा, समस्त कक्षा मेरी है। समस्त कक्षा के लिए मैंने कक्षा 1 से 8 तक के लिए ऑनलाइन वीडियो बनाए, उनके लिए सभी के लिए गृह कार्य दिया है मैंने, और सभी विषय मेरी ऐसा मानकर के साथियों में हिंदी और संस्कृत पढ़ाता हूं, लेकिन गणित भी मैंने बच्चों को अभी व्हाट्सएप के माध्यम से गृह कार्य है, नोट्स है, सब कुछ वितरण कर रहा हूं। साथियों बताना चाहूंगा कि मेरा जो कार्य है अरनिया माल के अभिभावकों के व्यवहार से, उनके सक्रिय होने से, बच्चों के लगन से, साथियों में 2-2, 3-3 बच्चों को मेरे हिसाब से घर के बाहर बुला करके उनको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा करके हाथों को सैनिटाइजर करवा करके, और मैं उनको खड़ा रोड पे खड़ा रख के घर के बाहर खड़ा रख करके उनको मैं हिंदी के बारे में बताता हूँ, गणित के बारे में बताता हूँ और उनको तैयारी के लिए मैं प्रेरित करता हूँ। साथियों मैं अब बताना चाहूँगा सभी कमेंट करने वाले साथियों को धन्यवाद मेरा हौसला बुलंद करने के लिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। साथियों बताना चाहूंगा कि अभी जो इस साल में काम कर रहा हूं वह मिशन 2020 में काम कर रहा हूं। सर मैंने एक बात बताना कि उस समय जब मैं अन्यमाल गया था वहां पे ग्राउंड में कोई पेड़ पौधे नहीं थे, 2 नीम के पेड़ थे, एक और पेड़ था,
मैंने हमारी एक स्टाफ साथी रुई मैडम के साथ में मैंने ग्राउंड में बहुत सारे पौधे लगवाए। जब उनसे पूछा कि पौधे क्यों नहीं लगवाए गए, गांव के बच्चे आते हैं उखाड़ के ले जाते हैं। साथियों, आज मेरा स्कूल हरा भरा विद्यालय है। हमारी मैडम रुई वो बहुत पौधों की देखभाल करती हैं, साथ में साथ ही मैं भी करता हूँ। हम हमारे खुद के पैसों से पौधे भी लगाते हैं, पंचायत के सहयोग से मैंने पौधे लगवाए हैं। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में मिशन 2020 में काम कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 मिनट और साथियों, कि मिशन 2020 में काम कर रहा हूँ। मेरा मिशन 2020 है साथियों, जिसके 9 बिंदु है। पहला बिंदु है कि 150 बच्चों से कम नहीं रहने दूंगा साथियों। दूसरा लक्ष्य था 5 बच्चों से ज्यादा अन्य स्कूल में नहीं जाने दूंगा। तीसरा था पानी की व्यवस्था कराऊंगा। चौथा था कि बच्चों के लिए LED टीवी लगाऊंगा, ताकि जब क्लास खाली हो तो उस क्लास में उसी टीचर से उसी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चला करके उन बच्चों को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। अगला लक्ष्य मेरा था साथियों, 5 गरीब बच्चों को स्कूल ड्रेस दिलाना। अगला था नवोदय परीक्षा में कम से कम 2 बच्चों का चयन करवाना। अगला बिंदु था साथियों कि सभी बच्चों को A+ ग्रेड मिलाना, 8वीं के बच्चों को उनको लैपटॉप दिलाना। साथियों 9 बिंदु थे, जिसमें से अब तक 4 बिंदु पूरे हो चुके हैं। साथियों 1 खिलौना बैंक की स्थापना करना। साथियों पहला जो बिंदु है, आज 9 गारंटी 9 वारंटी के आधार पर 160 बच्चे सारा दर्पण में हैं और 170 बच्चे से कम नहीं रहेंगे। ऐसा मेरा सिर्फ अकेला का वादा है। दूसरा लक्ष्य 5 बच्चों से ज्यादा नहीं जाने दूंगा। एक भी बच्चा अन्य स्कूल में नहीं गया अभी तक। दोनों लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। तीसरा लक्ष्य है 5 गरीब बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस। साथियों रेणु वर्मा हिंदी की व्याख्याता से मैंने 10 बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस की घोषणा करवा दी है। स्कूल खुलते ही उन बच्चों को मिल जाएगी। पानी की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत के सहयोग से वहां पे हेडपंप लग चुका है और उसमें पानी की मोटर लगवा करके मीठे पानी का RO की व्यवस्था करवाएंगे भामाशाह के सहयोग से। अगला जो खिलौना बैंक की स्थापना का था, ये लक्ष्य बहुत जल्दी ही पूरा होने जाएगा। इसके लिए दिनकर जी, अब्दुल कलीम खान शिकर से और महेंद्र जी सर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाबूलाल जी के स्कूल में खिलौना बैंक की स्थापना की जाएगी और मुझे विश्वास है हो जाएगा। साथियों अभी ब्लॉक स्तर पर सम्मानित हुआ, उससे मुझे और कार्य करने की प्रेरणा मिली है। स्कूल में यहाँ पे मेरा सम्मान किया गया ब्लॉक स्तर पे। उसके बाद में स्कूल जाने के बाद स्कूल स्टाफ ने मेरा सम्मान किया। शाला परिवार का आभार व्यक्त करूंगा। PO क्षेत्र श्री राजाराम मीणा, उन्होंने भी स्वागत किया, उनको धन्यवाद। और समस्त ग्राम पंचायत श्रीमान शांतिलाल जी और समस्त ग्रामवासियों ने भी स्वागत किया। साथ ही मुझे बहुत कार्य करने की प्रेरणा मिली है। मैं मेरे बच्चों के और कुछ करके रहूंगा। साथियों इसी बीच में जो मेरी पत्नी है मीना, वो घर पे मेरा बहुत सहयोग करती हैं। मैं उसको कहता हूँ पेन दे, कॉपी दे, ये कर, इसको वापस रख, बहुत परेशान होती हैं। यानी मेरी ऑनलाइन कक्षा में, व्हाट्सएप के माध्यम से गृह कार्य देने में, सब में मेरा पूरा पूरा सहयोग करती हैं।
साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि 2016 में हेमराज जी लैंड के गुरुजी ने, मनोहर जी बंतली ने और हमारे बिरजू भाई, तीनों ने मिलकर लक्ष्य बनाया कि बाबूलाल की शादी करके रहेंगे और मेरा रिश्ता देवली में बनाया। मेरे ससुर जी गोपीलाल जी, मेरे साला जी राजेंद्र जी, मेरे सासू जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, मेरा अंतिम लाइन कि वर्तमान में मैंने एक अभियान चलाया है, प्राइवेट मुक्ति अरनिया माल, जो बहुत चैलेंज पूर्ण है। इस अभियान को मैं पूरा करके रहूंगा 2021 के प्रवेश उत्सव में, कि प्राइवेट में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को, एक को भी प्राइवेट स्कूल में नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। और स्कूल का ऐसा विकास करा के रहूंगा, चाहे मुझे स्कूल विकास के लिए भीख मांगनी पड़ जाए, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैं पुनः जन सरोकार मंच के सम्मानित सदस्य श्रीमान देवेंद्र जी, अजीम प्रेम जी से नरेंद्र जी, एक वाजिद सर है जिन्होंने भी मेरे को एक बार सोनवमी जन्माष्टमी कार्यक्रम करवाया था, मेरे को गाइड किया था, और मेरे सभी दोस्तों, सभी भाई, सभी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे परिवार के सदस्यों, सभी मोटिवेट करने वाले साथियों, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आप मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया, मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और दोबारा आऊंगा तो कुछ नया लेके आऊंगा। साथियों, जय हिंद, जय भारत।